आज का जो वीडियो होने वाला है वो है Q&A के ऊपर होने वाला है। आपने जितने भी सारे जो सवाल है पूछे थे कम्युनिटी पोस्ट में, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट 5 से 6 दिन पहले शेयर किया था, सारे उन सवालों का मैं आज आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो में। थोड़ा सेटअप अलग है, एक्चुअली मैं आज मैं घर पे नहीं हूँ, मैं थोड़ा मैं बाहर हूँ, तो मैं सोचा कि चलो एक Q&A वीडियो में बना ही लेता। और उसको वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन रहता है उसको प्रेस करो, क्योंकि ऐसे में नए नए वीडियो लाते रहता हूँ वो भी हिंदी में। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कृष्णा कुमार सोनी पूछ रहे हैं कि मैंने एक्वेरियम में पानी डालकर फिल्टर डालकर मैंने छोड़ दिया हो, तो अभी मैं कितने दिन के बाद है वो फिश को ऐड करूं। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप जो प्रोसेस कर रहे हो, साइकिल प्रोसेस कर रहे हो, और आपने जो क्वेश्चन पूछा था 5 दिन पहले पूछा था, तो अभी इसका मैं आंसर दे रहा हूँ। 6 दिन हो गए हैं जो कि आप साइकिलिंग प्रोसेस कर रहे हो, और 2 से 3 दिन आप प्रोसेस करो उसके बाद आप अपने फिश को ऐड कर सकते हो। अगला जो सवाल आ रहा है वो चित्रकांत दीप्ति से आ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि हम लोग बॉल में कितने मौली फिश ऐड कर सकते हैं। पहली बात तो बॉल में मौली फिश को रखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, पर अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बॉल में ही रखने का है तो एक काम करो कि आप 2 मेल्स लाओ अपने बॉल में रखो, और बॉल का साइज़ भी बड़ा होना चाहिए, मतलब इतना अच्छा बॉल का साइज़ होना चाहिए जो नॉर्मली मार्केट में 200-250 तक मिल जाता है, तो वो आप बॉल ले लो और उसमें सिर्फ मेल्स ही ऐड करो, क्योंकि अगर आप पेयर में ऐड करोगे तो फीमेल प्रेग्नेंट होगी, फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद वो बेबीज देगी का जो बाउल है वो ओवर पॉपुलेट हो जाएगा, तो सिर्फ आप 2 मेल्स आप ऐड कर सकते हो एक बाउल में। अगला जो सवाल है वो फिश केयर एंड इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि बाउल में कितने दिन तक गोल्ड फिश सर्वाइव करेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे बाउल में टेम्पररी कोल्ड फिश रखने का, तो आप रख सकते हो 8 से 10 दिन तक आप रख सकते हो, पर जो बाउल का वाटर है परफेक्ट होना चाहिए गोल्ड फिश के लिए, इसके बाद आप बाउल में से गोल्ड फिश को शिफ्ट कर सकते हो किसी बड़े टैंक में। अगला जो सवाल है वो पूछ रहे हैं राजेश कुमार मिश्रा, वो पूछ रहे हैं कि 3 फीट के टैंक में हम लोग कितने ऑस्कर फिश एंड गोल्ड फिश रख सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई मी फास्ट। देखो राजेश जी, अगर आपको ऑस्कर रखने का है तो पहली बात तो आप ध्यान में रखो, ऑस्कर जब भी फुल साइज़ में ग्रो होता है तभी वो 12 इंचेस का होता है, पैरोट फिश जब भी फुल साइज़ का ग्रो होता है तभी वो 10 इंचेस तक होता है, तो अगर आप दोनों के फिश के लेंथ अगर काउंट करोगे तो ऑब्वियसली ये जो लेंथ जा रहा है वो 1.5 फीट तक लेंथ जा रहा है, तो आपको 3 फीट के टैंक में सिर्फ आप ऑस्कर फिश और एक पैरोट फिश ऐड कर सकते हो। अगर आपको ये दोनों भी फिशेस को अच्छा खासा ग्रो करने का है और आपको बहुत सालों तक आपके टैंक में रखने का, क्योंकि दोनों भी फिशेज 10-10 साल तक जीती है, तो इसके लिए अच्छा रहेगा कि 2 फिश को ही ऐड करो आपके 3 फीट के टैंक में। अगला जो सवाल है वो सिद्धेश पोद्दार पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि उनके जो ब्लैक्स का टेटर है वो फूड नहीं खा रहे, जो रेगुलर फूड नहीं खा रही है, तो उनको कौन सा अल्टरनेटिव फूड दें। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आप एक रेगुलरली फूड डाल रहे हो तो आपकी फिशेस एक खाएगी, अगर फूड चेंज करेगा तो नॉर्मली अगर वो हाई क्वालिटी और अच्छे खासे इंग्रेडिएंट का रहेगा तो फिशेस वो खाने को चालू कर देती है, अगर नहीं रहेगा तो फिशेस 1-2 दिन के लिए थोड़ा बहुत रिफ्यूज़ करती है खाना, उसके बाद खाने को लग जाती है। दूसरी केसेस है कि अगर आपका रेगुलर फूड अच्छा खासा है तो आप उनको लाइव फूड दे के आप दे सकते हो। तीसरा जो केस है कि अगर आपकी फिश बीमार है तो फूड रिफ्यूज़ करेगी, और नॉर्मली आप कैसे बारिश अभी हो रहा है तो कैसे वाटर का जो टेम्परेचर है वो सडनली अप होता है, सडनली डाउन होता है, इससे क्या रहता है कि फिश स्ट्रेस में आती है, वाइट स्पॉट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो चीज़ें हुई रहेगी, तो इसके लिए भी आपकी ब्लैक्स का टेटर फूड रिफ्यूज़ करें, मतलब खा नहीं रही है। अगला जो सवाल है वो दिवेश खोरचे पूछ रहे हैं कि पैरोट फिश इज़ अ हार्डी फिश। मुझे समझ में नहीं रहा कि मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे कि मेरे को बता रहे कि एक्चुअल में हार्डी फिश है, बट इनका एक्चुअली एक क्वेश्चन ये रहेगा कि पैरोट फिश ए हार्डी फिश है क्या। तो एक्चुअल में देखो तो पैरोट फिश है हार्डी फिश है, पैरोट फिश बहुत सारे कंडीशन में सर्वाइव करती है, तो अगर आप सोच रहे हो कि एक हार्डी फिश लाने का तो पैरोट फिश आप लेके आ जाओ, वो आपके टैंक के लिए एकदम परफेक्ट हार्डी फिश रहेगी। अगला जो सवाल है वो पवित्र अभी कुलाल पूछ रहे हैं कि उनकी जो डायगरबा फिश में फीमेल है वो मेल से फाइट कर रही है, और मेल की जो फिंस है उसने ब्रोकन की मतलब तोड़ दिए काट दिए है,
तो ऐसा क्यों होता है कि पहली बात तो टाइगर बाप जो फिश है वो स्कूलिंग फिश है। स्कूलिंग फिश मतलब उसको 6 से 8 क्वांटिटी में रखा जाता है टैंक में, आप कभी भी पेयर में नहीं रख सकते जो हो। स्कूलिंग वाले जो फिशेस रहते हैं तो उनका एक्चुअली प्रॉब्लम यही रहता है कि वो जो फिशेस रहते हैं अगर पेयर में रखोगे, कम क्वांटिटी में रखोगे, तो एक दूसरे से वो झगड़ा करते हैं और उसका जो रिजल्ट आ जाता है कि एक फिशेस मरती है, एक फिशेस जिंदा रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बता दूँ कि अगर आपने दो एक पेयर ही रखा है तो उसके साथ और आप 6 से 7 टाइगर बाफ फिश ऐड करो तो आपका जो प्रॉब्लम रहेगा वो पूरी तरह से सॉल्व होगा। ये जो कुछ सवाल थे वो मुझे कम्युनिटी पोस्ट में आए थे, उसका मैंने आंसर दे दिया है इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। अभी इस Q&A सेशन को मैं एंड करने को जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। अगली बार जो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा तो आई होप कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उस कम्युनिटी पोस्ट पर भी आएंगे। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करने को जा रहा हूँ। तो दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।